हर हर महादेव। जिस तरीके से पुरुषों के लिए आशौच इत्यादि के बाद बाल बनवाने का विधान है, मुंडन करने का विधान है, इसी प्रकार क्या स्त्रियों को भी मुंडन करवाना चाहिए? स्त्रियों को भी बाल कटने का विधान है? नहीं है तो उनका क्या जो है शास्त्रों में निर्देश किया गया है उसको समझिए। देखिए बृहस्पति जी का वचन है, आशौचांत कृत्यम सर्वेशां बपनम नखलोमयोः। आशौच समाप्ति के बाद कोई मृत्यु हो जाती परिवार में तो उसके बाद दसवें दिन सर्वेशां जो भी कुल के लोग हैं उनको बपन करवाना चाहिए और नख क्रंथन नाखूनों को भी कटवाना चाहिए। परंतु स्त्री अगर स्त्री नाम तो मुंडनम नैव, स्त्रियों के लिए मुंडन का विधान नहीं है, जो सौभाग्यवती महिला हैं उनके लिए मुंडन का विधान नहीं है और विधवाओं के लिए भी मुंडन नहीं, वो तो पति के मृत्यु के बाद है और वो अलग विधान, आशौच में भले न करें तो कोई नियम नहीं है, मृत्यु के बाद महिलाओं को बाल नहीं बनवाना चाहिए। स्त्रीणाम तो मुंडनम नैव नखच्छेदन केवलम, पर नाखूनों को अवश्य काटना चाहिए, नखच्छेदन केवलम। स्नानम कुर्यात् प्रयत्नेन सर्ववर्णो यथा सुखम, और वे समस्त वर्ण वाली महिलाएं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों के लिए भी यही नियम है कि वे महिलाएं आशौच के अंत में नखच्छेदन कर लेवे। और यदि कोई प्रायश्चित वे कर रही हैं, जैसे कोई महिलाओं के लिए कोई प्रायश्चित बतलाया गया है तो वहां प्रायश्चित में वो क्या करें, प्रायश्चित में उनके लिए अलग विधान है कि वे लोग प्रायश्चित में अपना जो है दो अंगुल ऊपर से बाल कटवा लेवे, ऊपर से दो अंगुल बाल कटवा सकती हैं, कटवाना चाहिए। छौर कर्म न सस्तम स्यात् यो शितान्तुवरानने, है ना, प्रवास खंड में भगवान शंकर पार्वती जी को समझाते हुए कहते हैं कि योषितां तु छौर कर्म न सस्तम, महिलाओं के लिए छौर कर्म प्रशस्त नहीं है। सभद्रिकाणाम, मुख्य रूप से सभद्रिका जो सौभाग्यवती हैं उनके लिए, तो तत्रैव विधिं तासां शृणुष्वमे, और उसकी विधि तुम मुझसे सुनो कि वे कैसे जो है छौर करवाएं, कि सर्वान केशान समुद्रित्या छेदये दंगुलद्वयम्, सर्वान केशान समुद्रित्या छेदये दंगुलद्वयम्, सभी केशों को एक साथ पकड़ करके और ऊपर से दो अंगुल काट देना चाहिए, ये उनके लिए विधान बतलाया गया है। ये बात तो इस तरीके से महिलाओं को भी जो है ये प्रायश्चित इत्यादि में क्रंथन कर सकती हैं, वैसे मुंडन इत्यादि करना वर्जित है। सामान्य रूप से श्रृंगार इत्यादि के लिए ये जो कृत्य करती हैं माताएं बहनें, वो जैसे जो करना उसके लिए आगे बतलाएंगे, तो वो कृत्य अपने शोभा के लिए, पति को प्रसन्न करने के लिए, श्रृंगार के लिए अगर कोई करते हैं तो कर सकती हैं, ये भी है, पर वो शास्त्र निषिद्ध कृत्य न करें। अब जैसे इसमें आगे हम बतलाएंगे, आप सुनना कि अगर जो निषिद्ध है, निषिद्धों में भी कोई यदि बाल बनवा देता है, निषिद्ध दिनों में, निषिद्ध तिथियों में, निषिद्ध वारों में, निषिद्ध मासों में, निषिद्ध लग्न में, तो उसके लिए क्या प्रायश्चित है, क्या करना चाहिए, इसको अवश्य सुने, आगे हम बतलाएंगे। हर हर महादेव।